हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक छोटा सा पर्स बनाएंगे जो मनी पर्स है और जो सीख रहे हैं स्टिचिंग उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये ट्राई कर सकते हैं, इजीली बन जाएगा। ये जो इस तरफ है 9.25 और इस तरफ है 6 इंच और ये कपड़ा क्विल्टेड किया हुआ है। नीचे मैंने कोई भी नीचे आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ऊपर में जो आपको जो डिज़ाइन पसंद है वो कपड़ा ले सकते हैं और बीच में एक रबर सीट डाली है। आप चाहे तो फॉर्म सीट भी डाल सकते हैं और चावल की बोरी का जो कपड़ा रहता है वो डाल सकते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करके दो पार्ट में हम कट करेंगे। दोनों पार्ट सेम ही है और एक सिप ली है जो 6 इंच की है। इसको हमें इस तरह से उल्टा रखना है और कोई भी एक कपड़े में हमें ऊपर में यहाँ पर सिलाई करके जोड़ देना है। ये मैंने सिलाई कर दी है, यहाँ पर देखिए सिलाई कर दी है। इसको अब हम किस तरह से करेंगे, देखिए ये इसको हमें यहाँ पर जो पीछे का दिख रहा है उसमें हमें इस तरह से सीधा हो जाएगा, पीछे हमारा जिप सीधा हो जाएगा और आगे हमें देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर देनी है। ये देखिए ये मैंने सिलाई कर दी है और इसका जो जिप का जो दूसरी तरफ है वहाँ पर हमें ये क्विल्टेड जो पीस है हमारा वो लगा देना है, सिलाई करके जोड़ देना है और उसमें भी हम दाग सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सीधा करेंगे, यहाँ देखिए ये इस तरह से सीधा करेंगे और दाग सिलाई लगा देंगे। दाग सिलाई लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो दाग सिलाई लगाने से जो धागे वगैरह सब जिप में नहीं आ जाते, हम लोग जो जिप को खोल बंद करते हैं तो धागे इसमें नहीं फंसते हैं, फिनिशिंग अच्छा आता है, इसके लिए दाग सिलाई लगाना ज़रूरी है। और अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे और उसका जो थोड़ा सा पॉइंटेड पार्ट रहता है वहाँ से हमें इंसर्ट करना है और जिप को इस तरह से थोड़ा सा खोलेंगे और रनर में एक तरफ का हम पार्ट डालेंगे और फिर दूसरी तरफ का हम इस तरह से और धीरे धीरे प्रेस करेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ का जो जिप का दोनों तरफ का जो पार्ट है वो सेम बाहर आए, उस तरह से हमें जिप को अंदर एंटर करना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लग गई है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे उल्टा और यहाँ पर हमें तीन साइड सिलाई कर देनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है और अब हम इसका कोना जो थोड़ा सा हम ट्रिम कर लेंगे और इसमें ये ध्यान रखना है कि सिलाई ना कट जाए, उस तरह से हमें कोने को ट्रिम करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसका बहुत 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 ही धन्यवाद। अब हम एक पौने इंच एक डेढ़ इंच की जो पट्टी चौड़ी पट्टी रहती है उसको लिया है मैंने और इस तरह से हमें इस तरह इसके जोड़ देना है। शुरू करते वक्त हमें पीछे थोड़ा सा मोड़ के और ख़त्म करने के टाइम भी थोड़ा सा पीछे मोड़ के जोड़ना है उस तरह से और फिर इसको हम इस तरह से पीछे मोड़ेंगे और देखिए ये इस तरह से ये जो हुआ है इसको एक बार फोल्ड किया और फिर दूसरी बार फोल्ड किया और यहाँ से हमें सिलाई करते करते ख़त्म करना है तो जो हमारा रफ एजिस है वो कवर हो जाएगा। अच्छे से अच्छी पट्टी लग गई है, देखिए ये। अब हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, अच्छे से कोना निकाल के हम सीधा कर लेंगे और ये इस तरह से हो गया है। अगर आप चाहे तो ऐसे इस यहाँ पर ये पर्स तैयार हो गया है, इसे ही सेप रखना है तो ऐसे ही सेप रख सकते हैं या फिर अभी मैं आगे बता रही हूँ तो इसको यहाँ पर हम फिर से उल्टा करेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच हमें इस तरह से ट्रायंगल जो बनता है वहाँ पर हमें आधा इंच हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। इस तरह से हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर जो ये जो कोना है उसको आप दो बार सिलाई करके हम आप काट भी सकते हैं।
मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब हम इसको फिर से सीधा करेंगे और अब ये थोड़ा सा शेप इसका बदल गया है, नीचे थोड़ा बेस इसका बड़ा हो गया है। यहाँ पर जो मेरा रनर है उसमें मैं ये पोम पोम और मोती जो पिरो के मैंने इस तरह से लटकन बनाया है, तो इसका ये लुक भी अच्छा देगा और जीप को खोल बंद करने में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मैं लगा दूंगी। आप अपने मन से कोई भी लटकन बना सकते हैं। और इसमें मैंने ये देखिए ये मैंने लटकन लगा दिया है, छोटा सा पर्स पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपका जो आपके पास जो बड़ा पर्स है उसमें उसमें ये रख सकते हैं, पैसे रख के बड़े पर्स में रख सकते हैं, या छोटी लड़कियां भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो